सो गाइस गर्मा गर्म न्यूज लेके आ चुका हूँ, वो भी तीन ऐसी अपकमिंग बाइक्स के साथ जो कि मार्केट को हिलाने की पूरी काबिलियत रखती है। कौन सी है ये बाइक, किस ब्रांड के तरफ से आएगी, कब लॉन्च होगी, इनकी प्राइस क्या होगी, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। मजा आएगा ना, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना, इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स रश दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बाइक के बारे में बात करें तो ये एक ऐसे ब्रांड के तरफ से आता है जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में आज के तारीख में एप्पल है, वैसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रॉयल एनफील्ड वाले है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो इनके तरफ से गाइस जो इनकी नई बाइक आने वाली है वो है इनकी ऑल न्यू बुलेट 350 का नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ गाइस, जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी आपको बुलेट 350 का नेक्स्ट जनरेशन देखने मिलने वाला है। इसका जो ब्राउचर है वो भी लीक हो चुका है, तो जो स्पेक्स मैं आपको बताऊंगा वो ऑलमोस्ट आप लोग ऐसे पकड़ के चलो कि कंफर्म है, श्योरली आपको यही सब ऑफर किया जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की जो जान है वो है इसका इंजन, क्योंकि इसी इंजन के कारण बुलेट जो है आज भी जानी जाती है। तो इस नए नेक्स्ट जनरेशन में बुलेट 350 में इसके इंजन में भी आपको अपडेट देखने मिलने वाला है। रॉयल एनफील्ड का जो न्यूली प्लेटफॉर्म है जे सीरीज वाला, उसी प्लेटफॉर्म पर आपको ये बुलेट 350 देखने मिलने वाली है, जिसके कारण जो वाइब्रेशन लेवल है वो कम हो जाएंगे और जो परफॉर्मेंस है वो भी इस बाइक की कहीं ना कहीं थोड़ी बूस्टअप आपको देखने मिलने वाली है। बाकी इस बाइक में सेम वही इंजन होगा जो कि 349cc डिस्प्लेसमेंट के साथ ही आपको देखने मिलता है। बाकी जो पावर फिगर्स है वो आपको करीबन 20.2 bhp का देखने मिल जाएगा 6100 rpm पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको करीबन 27 Nm का देखने जाएगा 4000 rpm पर। पावर फिगर से आप लोग ना ही ज्यादा उम्मीद रखो तो वही अच्छा है। बाकी इसमें यार वही सेम 5-speed गियरबॉक्स के साथ इसका ट्रांसमिशन देखने मिलेगा। गाइस यहाँ पर यार मैं थोड़ा कभी कभी सोचता हूँ कि 350cc की ये मोटरसाइकिल है, लेकिन यार इसमें अभी भी 5-speed वाला ही गियरबॉक्स ऑफर किया जा रहा है। काश गाइस रॉयल एनफील्ड वालों ने इस जे सीरीज के साथ इन्होंने 6-speed गियरबॉक्स वाला इंजन ऑफर कर दिया होता तो क्या ही बात होती। गाइस बाबा आदम जमाने का ये लोग गियरबॉक्स अभी भी चला रहे हैं, कहने को तो 350cc की ये मोटरसाइकिल है लेकिन अभी भी यार 5-speed का ही गियरबॉक्स मिल रहा है। गाइस मैंने भी बुलेट चलाई है, हाईवे पर यार वो छठी गियर की जो कमी है वो मैंने महसूस की है। आप लोग भी ऑनेस्टली मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्या आप लोगों ने बुलेट में वो छठी गियर की जो कमी है कभी महसूस की है? ईमानदारी से यार आंसर जरूर दे देना, नहीं तो मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली है। बाकी इस बाइक के कुछ और अपडेट्स के बारे में बात करें तो इसके टायर सेक्शन में भी आपको बदलाव देखने मिलेंगे। फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर देखने मिलेगा एंड पीछे आपको 120 सेक्शन का टायर देखने मिलने वाला है। इसी के साथ जो फ्रंट का व्हील है वो आपको 19 इंच के साथ देखने मिलेगा एंड पीछे वाला जो व्हील है वो आपको 18 इंच के साथ देखने मिलेगा। बाकी गाइस एक फीचर जैसी मेरी नजर गई तो मैं तो यार शॉक हो गया, 2 मिनट के मेरे सोचने लग गया क्या ये सच में सही है या फिर नहीं। वो अपडेट क्या है गाइस, इस बुलेट 350 में अब आपको आरी का डिजिटल प्लस एनालॉग वाला कंसोल देखने मिलेगा विथ LCD स्क्रीन के साथ। जी हाँ गाइस, कैन यू बिलीव, बुलेट 350 में अब आपको एनालॉग कंसोल तो मिल ही रहा है, साथ ही के साथ LCD स्क्रीन भी मिलेगी जिसमें जो फीचर्स वगैरह है, जो नेसेसरी इंडिकेशन है वो सभी आपको उसके कंसोल में देखने मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है बुलेट लवर्स के लिए। बाकी गाइस इस मोटरसाइकिल को टोटल 3 वेरियंट्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, इसमें से टॉप, बेस एंड मिड वेरियंट तो होगा ही। अब वेरियंट वाइज क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे तो मैं यहाँ पर कहीं पर इमेज डाल दूंगा, तो आप लोग रीड कर लेना पॉज करके कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। बाकी इसी के साथ कुछ नई एक्सेसरीज भी एड ऑन की जाने वाली है इस बुलेट 350 में, जो एक्सेसरीज की इमेजेस है वो भी मैं यहाँ पर कहीं पर शो कर दूंगा। बाकी गाइस इस बाइक के अगर प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में गाइस बात करें तो गाइस ये बाइक 1 September 2023 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने जा रही है। इसकी जो प्राइस है गाइस बताया जा रहा है पुरानी वाली बुलेट 350 के कंपेयर में ज्यादा प्राइस तो नहीं इंक्रीज होगी, 20-30,000 के आसपास आप लोग पकड़ के चल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जैसे एप्पल है आज के तारीख में, वैसे ही यहाँ पर रॉयल एनफील्ड है, जैसे एप्पल वाले तरसा तरसा के फीचर्स देते हैं वैसे ही गाइस यहाँ पर रॉयल एनफील्ड वाले भी जब तक लोग तरस नहीं जाते उस फीचर्स के लिए तब तक वो लोग वो फीचर्स नहीं देते हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था एप्पल के तरह ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रॉयल एनफील्ड वाले बन चुके हैं। बाकी गाइस चलते हैं नेक्स्ट बाइक के तरफ जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बाइक के लिए क्योंकि इसके लॉन्च इवेंट में भी जा रहा हूँ, सारी डिटेल्स वगैरह कवर करूंगा। कौन सी है ये बाइक, ये है हीरो मोटोकॉर्प्स की तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू करिश्मा एक्समा 210। जी हाँ गाइस 210cc इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये मोटरसाइकिल आपको देखने मिलने वाली है, फुली फेड होगी, जो लुक्स वगैरह है वो पुरानी वाली करिश्मा के कंपेयर में कंप्लीटली यूनिक आपको देखने मिलने वाले हैं। स्पेशली इसकी जो फ्रंट की हेडलाइट की डिजाइन है
वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। बाकी गाइस एक्सपेक्टेड बताया जाता है दो वेरिएंट्स के साथ ये बाइक आपको लॉन्च होते हुए दिख सकती है। जो कलर ऑप्शन से एक येलो और एक रेड कलर तो सामने आ चुका है। बाकी इस बाइक के सस्पेंशन ड्यूटीज के बारे में बताऊं तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने मिलेगा जो कि एडजस्टमेंट के साथ आएगा। करीबन 10 लेवल तक आप लोग इसके मोनोशॉक को एडजस्ट कर पाओगे। बाकी टायर सेक्शंस के बारे में बताऊं तो फ्रंट में बताया जा रहा है कि 100x90 सेक्शन का टायर आपको देखने मिल सकता है एंड पीछे आपको 120x80 सेक्शन का टायर देखने मिलेगा। ये अभी एक्सपेक्टेड है, लेकिन हां 17 इंच का अलॉय व्हील आपको फ्रंट एंड रियर में मिलेगा, ये कंफर्म है। बाकी ब्रेकिंग ड्यूटीज के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS तो देखने मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही के साथ आपको फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक भी देखने मिलेगी। इसी के साथ इस इंजन के बारे में बात करें तो गाइस ये कंप्लीटली एक न्यू प्लेटफॉर्म पर बनाया हुआ इंजन है जो कि 210 सीसी इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको देखने मिलने वाला है। DOHC टाइप वाला इंजन है, यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन आपको देखने मिलेगा। ये इंजन आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ भी देखने मिलेगा, साथ ही के साथ फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी आपको इस मोटरसाइकिल में देखने मिलेगी। बताया जा रहा है इसमें आपको शायद स्लीपर क्लच भी देखने मिल सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो गाइस क्या ही बात होगी। इस बाइक की अगर प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बताऊं तो गाइस ये बाइक 29th August 2023 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। इसका जो लॉन्च इवेंट है वो करीबन 12:15 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ फर्स्ट लुक वगैरह जो भी है तो आप लोगों को सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और इसकी जो प्राइस है गाइस एक्सपेक्टेड पकड़ के चलो करीबन बताया जा रहा है 2 लाख के आसपास ही इसकी एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस हमें देखने मिल सकती है। हीरो वालों ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोल भी रखा था जहाँ पर उन्होंने लोगों से पूछा था कि इसकी जो प्राइस है वो आप लोग कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन इन्होंने दिए थे, 1,90,000 से लेकर 2,10,000 के आसपास ऑप्शन रखा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी रेंज के अंदर अंदर इस मोटरसाइकिल की एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने मिल सकती है। और गाइस ट्रस्ट मी, अगर इस प्राइस पॉइंट के साथ यानी कि 2 लाख के कम से प्राइस के साथ ये मोटरसाइकिल आती है तो गाइस मार्क माय वर्ड कि ये मोटरसाइकिल आग लगा देगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। अब बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में जो ब्रांड कभी पीछे हो ही नहीं सकता है, ये है TVS की तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू अपाचे 310 का नेकेड वर्जन। जी हाँ गाइस, अपाचे RR 310 आती थी उसी इंजन को लेकर इन्होंने उसका नेकेड वर्जन बना दिया, क्योंकि एक स्ट्रीट नेकेड फाइटर बाइक होने वाली है। इसका जो टीजर वगैरह है वो सामने आ चुका है, तो आप लोग को लुक्स वगैरह थोड़े समझ में आ रहे होंगे इसके जो लुक्स वगैरह है कैसे है। BMW की जो G310 आती है उससे भी मिलते जुलते लुक्स आपको थोड़े बहुत इसमें देखने मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा TVS वालों की और BMW वालों की टाइप हुआ पड़ा है, तो इनकी जो मोटरसाइकिल है वो आपस में शेयरिंग की जाती है। बाकी इस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ यूनिक बातें बताऊं तो देखो इंजन वही होगा जो अपाचे RR 310 में मिलता था, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा बेटर मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक नेकेड फाइटर बाइक है तो जो वेट वगैरह है, जो पावर टू वेट रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी जो फ्यूल इफिशियंसी है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं वेट के कारण इंक्रीज होने वाली है। तो ऐसा पकड़ के चलो इसकी जो परफॉर्मेंस 10-20% इंक्रीज होते हुए दिखेगी। स्पेशली इसकी जो टॉप स्पीड वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ज्यादा ही बेटर मिलने वाली है। बाकी ब्रेकिंग ड्यूटीज, सस्पेंशन और टायर्स के बारे में बताऊं तो फ्रंट में आपको गोल्डन फिनिशिंग के साथ इसके 43mm के आसपास USD फोर्क देखने मिल सकते हैं। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने मिलेगा जो कि प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आएगा, तो अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर पाओगे। बाकी ब्रेकिंग में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने मिलेगी जो कि करीबन 320mm डायमीटर के साथ ऑफर की जा सकती है, एंड पीछे आपको 240mm की डिस्क ब्रेक देखने मिलेगी। इसी के साथ ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा। इसके इंजन में आपको स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, सभी फीचर्स आपको इस मोटरसाइकिल में देखने मिलेंगे, क्योंकि इस बाइक का जो डायरेक्ट कंपटीशन होगा वो है KTM की ऑल न्यू ड्यूक 390 के नेक्स्ट जनरेशन के साथ। और आप लोगों को पता ही होगा ड्यूक 390 नेक्स्ट जनरेशन में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, उसकी भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखी है, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हो। उसका एक छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में पता चल जाएगी। तो TVS वालों को अच्छे से पता है इसका जो कंपटीशन है वो किस बाइक के साथ है, तो वो लोग भी बिल्कुल भी कोई भी कमी इस मोटरसाइकिल में नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी इस बाइक का जो कंसोल होगा गाइस, बताया जा रहा है अपाचे RR 310 में आपको वर्टिकल पोजीशन में उसका मीटर कंसोल देखने मिलता था, लेकिन यहाँ पर वो वाला कंसोल पॉसिबल नहीं है कि फिट कर सके, तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग के साथ इसका डिजिटल कंसोल देखने मिलेगा जो कि आपको सेम TFT डिस्प्ले के साथ ही आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपको इसके कंसोल में देखने मिल जाएगी, साथ ही के साथ TVS की जो स्मार्ट X कनेक्टिविटी वाला फीचर है यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फंक्शन, वो भी आपको इस मोटरसाइकिल में देखने मिलेगा। बाकी इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में आप लोगों को बताऊं तो गाइस इस बाइक की जो लॉन्च डेट है वो है नेक्स्ट मंथ यानी कि 6 September 2023 को ये बाइक ऑफिशियली इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है गाइस वो है करीबन
240,000 से लेकर 260,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ ये बाइक हमें इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। ये जो प्राइस है एक्सपेक्टेड है, अगर कुछ श्योरिटी आती है, कुछ लीक्स वगैरह आती है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इसकी प्राइस। बाकी लॉन्च डेट तो कंफर्म है, 6 सितंबर को ये बाइक ऑफिशियली इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इन तीनों बाइक्स में से आप लोग कौन सी बाइक का वेट कर रहे हो। यार मुझे जानना है कि आप लोग कौन सी बाइक का वेट कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए यार हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।